अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है केसीआर का ट्रैक और केसीआर पे काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे चल रही हैं केसीआर के हवाले से। कभी केसीआर पे किसी ने बताया आपको हिस्ट्री के बारे में कि केसीआर की असल हिस्ट्री है क्या? आज मैं आपको वो हिस्ट्री पूरी बताऊंगा, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कितने पैसे लगे, किस किस सन में कैंसिल हुई, सारी हिस्ट्री आप इस वीडियो में देखेंगे। ये ड्रिग रोड से थोड़ा सा आगे करके मलीर हॉल्ट के शायद स्टेशन है, तो यहाँ पर काम जारी है। तो ये आपको मैं एक हिस्ट्री बताने लगा हूँ केसीआर की, ओरिजिनल वाली। कराची सर्कुलर रेलवे यानी कि केसीआर कराची सिंध पाकिस्तान में एक जुज़वी तौर पर फ़ाल इलाकई और नकलो हमल का निज़ाम है। कराची मेट्रोपॉलिटन इलाके की खिदमत करता है। केसीआर 1964 से 1994 के दरमियान मुकम्मल तौर पर काम कर रहा था, यहाँ तक कि इसे 1999 में अचानक बंद कर दिया गया। 2001 में एक से दोबारा शुरू करने की मुतअद्दिद कोशिश की गई और नवंबर 2020 में केसीआर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जुज़वी तौर पर ऑपरेशंस को बहाल किया। आईआई चंद रीगर रोड पर कराची सिटी स्टेशन अपने मरकज़ के साथ केसीआर की बहाली शुदा कार्रवाइयाँ शामिल हैं। शुमाल में गडाप, मशरिक में धाबजी, जनूब में किमाड़ी और मगरिब में बलूचिस्तान के हब तक फैलेगी। ये हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि फैलेगी, अभी ये बनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बहाली शुदा केसीआर ऑपरेशन का मकसद कराची में एक इलाकाई पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम बनना है, जिसका मकसद शहर के मरकज़ को शहर के अंदर की सनती तजारती इजला और मजाफाती इलाकों से जोड़ना है। 1999 में नाकारा होने के बाद से केसीआर की बहाली की कोशिशें की गई और बुनियादी तौर पर माली और सियासी हिमायत की कमी की वजह से अधूरी रही। मई 2017 में वफाकी हुकूमत ने केसीआर के लिए 27.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपी यानी 170 मिलियन डॉलर बहाली पैकेज की मंजूरी दी। ताहम सिंध की सूबाई हुकूमत के साथ ताखीर और तनाजात बिला फिर फंडिंग की मंसूखी का बाइस बने। अगस्त 2020 में वफाकी हुकूमत ने केसीआर की बहाली के लिए 10.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपी यानी के 60 मिलियन डॉलर बहाली पैकेज की मंजूरी दी। अमीर मोहम्मद दाऊद के मुताबिक ये फंडिंग केसीआर की बहाली के मंसूबे के सिर्फ फेज़ वन और फेज़ टू का अहाता करेगी, जैसा कि कराची पिशावर रेलवे की लाइन की बहाली है। कराची सर्कुलर रेलवे सदर अयूब खान के दौर में वजूद में आई, जिसने कराची में मुख्तसर सफ़र के लिए ट्रेनों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। केसीआर ऑपरेशन का आगाज़ 1964 में पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया के तहत हुआ, जिसका मकसद कराची की बढ़ती हुई आबादी और उसके आसपास की मजाफाती कम्युनिटीज़ को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना था। असल केसीआर कराची सिटी स्टेशन से फैली और ड्रिग रोड स्टेशन पर ख़त्म हुई और इस साल 60 लाख मुसाफिरों को लेकर गई। इसकी फौरी कामयाबी ने पाकिस्तान रेलवे को अपने ऑपरेशन के पहले साल में नुमाया मुनाफा बख्शा। 1970 में केसीआर को मजीद मशरिक में लांडी जंक्शन स्टेशन तक फैला दिया गया, जबकि नए ट्रैक को मगरिब की तरफ बढ़ा दिया गया। इस तरह 1970 में कराची पोर्ट ट्रस्ट हाल्ट स्टेशन और वजीर मेंशन स्टेशन का आगाज़ हुआ। 1970 की दुहाई के दौरान ट्रैक को मजीद मगरिब की तरफ
बढ़ाया गया, जिससे नॉर्थ नाजोबाद की जानिब एक ट्रैक बनाया गया। लूप लाइन जो कराची के कई रिहायशी और सनती इलाकों के गिर्द चक्कर लगाती है। अपने अरूज पर केसीआर ने रोजाना 140 ट्रेनें चलाईं, जिनमें 80 ट्रेनें लाइन पर चलीं, मेन लाइन पर चलीं, जबकि बाकी 24 ट्रेनें लूप लाइन पर चलीं। 1990 की दुहाई के दौरान ऑपरेशन की लागत में इजाफा हुआ, जबकि मुसाफिरों की बिगड़ती हुई सर्विस को और किराए को चकमा देने के बढ़ते हुए कल्चर की वजह से आमदनी में कमी आई। इस दौरान प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने भी केसीआर के अमले से मुआहदा किया और 1994 तक केसीआर को बद इंतजामी से की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नतीजे के तौर पर ट्रेनों की अक्सरियत सिर्फ चंद एक लूप पर चलने के साथ बंद कर दी गई। बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट माफिया के दबाव को बर्दाश्त करने में नाकाम पाकिस्तान रेलवे ने 1990 में केसीआर को तर्क कर दिया, यानी के मनकता कर दिया, और मनकता होने की सरकारी वजह यह बताई कि पाकिस्तान रेलवे को पूरे शहर में ट्रेनें चलाने से नुकसान हो रहा है, जिसमें चंद मुसाफिर इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। और एक और विजन से पता चलता है कि निजी ट्रांसपोर्ट ने रेलवे के कुछ बदउनवान अमले के साथ मिलकर अपने लिए मुसाफिरों का बड़ा हिस्सा बटोरने की ख्वाहिश को पूरा करने की साजिश की, जिसके नतीजे में कराची की सड़कों पर फौरी तातुल पैदा हो गया। पाकिस्तान रेलवे की बद इंतजामी के साथ साथ कराची के रोड पर ट्रांसपोर्ट बोर्ड माफिया पर शदीद तनकीद की गई। 2005 में कराची की बढ़ती हुई नकलो हमल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए केसीआर की बहाली के मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन मुकम्मल तौर पर कभी पूरा नहीं हुआ। 2009 में कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तजवीज़ पेश की गई थी, जिसमें केसीआर को एक नीम खुद मुख्तार इदारे के तौर पर चलाया जाएगा। कॉरपोरेशन में पाकिस्तान रेलवे का 60%, सिंध हकूमत का 25% होगा। केसीआर कराची शहर से लियाकताबाद के रास्ते ब्रिग रोड तक एक लूप लाइन पर मुश्तमिल होगा। कराची सिटी स्टेशन से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, यानी कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जिना एयरपोर्ट की तरफ ही रास्ता ही है, 29 किलोमीटर के इजाफी 21 किलोमीटर के दोहरी ट्रैक पर के साथ बहाल किया जाएगा, जिससे केसीआर पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन से मुंसलिक हो सकेगा। केसीआर के मुकम्मल होने पर 246 ट्रेनों में रोज़ाना 7,00,000 मुसाफिरों को ले जाने की तवक्का है। केसीआर के लिए दरकार 360 एकड़ अराजी में से 67 पर 4,653 मकानात समेत तकरीबन 17,650 ढांचे गैर कानूनी तौर पर बनाए गए, जो काफ़ी हद तक ट्रैक के इतराफ मकानात और दुकानों का सफाया हो चुका है। आपने अक्सर हमारी वीडियो देखी कि जिसमें हमने बताया कि केसीआर के काफ़ी हद तक जो है ट्रैक साफ कर दिए गए। केसीआर को असल 1964 के कराची मास्टर प्लान के मुताबिक डिज़ाइन किया गया, जिसे गलत रूट प्लान की वजह से, नुकसान की वजह से बंद करना पड़ा। अब इसे मुकम्मल नया रूट बनाने की ज़रूरत है, जो कौमी रेलवे लाइन से भी अलग हो जाए। इससे कराची की मसरूफ तरीन सड़कों को साफ करने में मदद मिलेगी। केसीआर की बहाली की कोशिशों पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई,
2001 के बाद से लातदाद मुतालात और फजिलिटी रिपोर्ट्स ने कोई हकीकी ज़मीनी काम नहीं किया। हकूमत सिंध, हकूमत पाकिस्तान दोनों में सियासतदानों की तरफ से कई तजावीज़ का अवामी तौर पर ऐलान किया गया था, जिनमें से सभी ने मंसूबों की मंजूरी दी थी और फंडिंग का वादा किया। फिर भी हर तारीख बगैर काम शुरू किए गुजर गई। डील में गुज़िश्ता 15 सालों में कई सियासतदानों के बयानात की टाइम लाइन है, जिनमें से सभी ने KCR प्रोजेक्ट के आगाज की तारीखें और दीदा दलेरी से दी थी। KCR असल में 1964 में कायम हुआ। 24 मार्च 2003 को वजीर रेलवे गौस बख्श खान मेहर ने कहा कि KCR की बहाली का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए फिजिबिलिटी स्टडीज एंड टेंडर्स शुरू किए जाएंगे। और सबसे कम बोली देने वाले को दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि KCR को निजी शोबे में चलाया जाएगा। इस ऐलान के बाद कुछ नहीं हुआ। 9 मार्च 2005 को वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज ने KCR के पहले मरहले का इफ्तिताह किया और दावा किया कि इस मंसूबे को 1-2 सालों में 3 मरहलों में बहाल कर दिया जाएगा। KCR की मकम्मल तजवीन व आराइश पर 3.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी $22 बिलियन खर्च करने का वादा किया गया था। ताहम साल के अंदर पहला मरहला बंद कर दिया गया। 30 अप्रैल 2010 को वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि तामीराती काम 2010 में शुरू हो जाएगा। मंसूबे का मरहला फेज़ 1 और फेज़ 2 बैक वक्त शुरू होगा और 3 सालों में मुकम्मल होगा और 2014 तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये तारीख भी कोई काम शुरू किए बगैर गुजर गई। 9 अप्रैल 2012 को कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एतजाज़ अहसन खलजी ने कहा कि तामीराती काम जून 2013 में शुरू हो जाएगा और उम्मीद जाहिर की कि ये जून 2017 तक मुकम्मल हो जाएगा, मगर बदकिस्मती से ये तारीख भी कोई काम किए बगैर गुजर गई। बड़ी अहम स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत अहम। KCR के बारे में आप तमाम को पता होना चाहिए। जो 50-60 साल के हैं ना, 50-60 साल के, उनको तो पता होगा कुछ ना कुछ, हो सकता है इनमें से भी कुछ ना पता हो, लेकिन जो 10 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग हैं, 40 से 35 तक की उम्र के लोग हैं, उनको KCR के बारे में कुछ नहीं पता। और उस KCR के बारे में मैं हिस्ट्री आपको इसीलिए बता रहा हूँ आपकी नॉलेज में रहे। 8 अगस्त 2012, अच्छा मेरा गला खुश्क हो गया बोल बोल के। 8 अगस्त 2012 कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद ने बताया कि KCR की बहाली के लिए स्टडी रिपोर्ट मुकम्मल है और सितंबर 2013 तक तामीर शुरू हो जाएगी। जे आई सी ए ने कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 260 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी $1.6 बिलियन कर्ज देने पर इत्तफाक किया। जो KCR की तामीरों और तजदीद कारी की निगरानी करेगी। इन मंसूबों में 50 किलोमीटर लंबी सर्कुलर लूप लाइन को अपग्रेड करने और दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया गया था, जो 24 ट्रेनें चलाएगी, जो 7 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगी, 23 स्टेशनों पर 3 मिनट के स्टॉप बनाएगी। ताहम ये मंसूबा भी कभी मुकम्मल ना हुआ। फिर आ गया 9 दिसंबर 2016
2016 9 दिसंबर को वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने ऐलान किया कि पाकिस्तान रेलवेज इंतजामी कंट्रोल सिंध हुकूमत के हवाले कर देगा, लेकिन पहले केसीआर की जायदाद को दीगर मकासद के लिए मुख्तस करने की ज़रूरत होगी। और इस ऐलान के बाद कुछ भी नहीं हुआ। 30 सितंबर 2017 को वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दावा किया कि केसीआर मंसूबा 25 नवंबर 2017 को शुरू हो जाएगा। जब उन्होंने कहा कि केसीआर वो रूट को तमाम तजावीज़ात से पाक कर दिया गया है और पाकिस्तान रेलवे केसीआर के लिए 360 एकड़ अराजी हासिल करने के लिए ऑन बोर्ड है, मगर ये तारीख भी बगैर कोई काम किए गुजर गई। 18 जनवरी 2018 को वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने इब्तदाई बयान से पीछे हटते हुए कहा के सी आर मनसूबे पर काम 23 मार्च 2018 को शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कराची के लोगों को खुशखबरी देने जा रहा हूं, जिन्हें ज़रूरत है के सी आर जैसे किसी अच्छे मनसूबे की। के सी आर मार्च में ये तारीख बगैर किसी काम के गुजर गई। दोस्तों फिर आ गया 1 मार्च 2020। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि हकूमत सिंध के तामुन से कराची सर्कुलर रेलवे के को 6 महीने में फाल कर दिया जाएगा। 20 अगस्त 2020 आ गया और केसीआर को माली साल 2020-2021 के वफाकी बजट में 150 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 940 बिलियन डॉलर मुख्तसस किए गए, जबकि सिंध के सूबाई बजट में 2007 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 1.3 बिलियन डॉलर मुख्तस किए गए। फिर आ गया 19 नवंबर 2020। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने औरंगी स्टेशन से पिपरी यार्ड तक सफ़र करके केसीआर का इफ्तिताह किया, जो कि 14 किलोमीटर का ट्रैक और 6 स्टेशनों पर 12 लेवल क्रॉसिंग से गुजरता है। 11 फरवरी 2021 में केसीआर को मजीद 74 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया और नई तोसी के साथ ये सर्विस अब धाबजी रेलवे स्टेशन को कराची के बाहर से औरंगी टाउन तक जोड़ेगी और जोड़ रही है। कराची के मुसाफिर अब इस ट्रेन यानी केसीआर में सफ़र करने का लुत्फ ले रहे हैं और अपने अपने इलाकों, घरों और ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक अंधी कहानी, आज तक YouTube पे किसी ने ये स्टोरी नहीं दी। ये थी केसीआर की ओरिजिनल स्टोरी, अलिफ से लेकर ये तक आपने सुनी और मुझे उम्मीद है कि ये हिस्ट्री आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये केसीआर है क्या, किसने बनाई, कैसे बनी, कब बनी, पूरी हिस्ट्री आपने देख ली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी हिस्ट्री में, इजाज़त चाहते हैं।